मोदी को इच्छा है तो बनाया, हम लोग हमारा अधिकार छीन के लेंगे। वो तो झूठा है, झूठी से झूठे झूठा है हमारा प्रधानमंत्री। ये मर्दो लोग आकर हमारा हिस्सा छीन लिया तो वो लोग संसद में क्या कर रहे हैं? कैसे हिंदू राज बनाएंगे? हमारा भारतवर्ष बहु जाति बहु भाषा बहु धर्म का स्थान है, क्यों हिंदू का राज बने? द्रौपदी मुर्मू तो हिंदू नहीं है। इतना सारी कास्ट है, इतना सारी धर्मियों है, इतना सारी भाषा एंड खाद्याभ्यास है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो बनाने शक्ति दिखाएंगे मोदी जी, कैसे दिखाएंगे हम लोग भी देखेंगे। मैं खोद गया था, मेरा आधार कार्ड लेकर छूर के फेंक दिया ये पुलिस वालों। पंचायत से उठी है, ऐसा नहीं है मोदी जी ने नहीं उनको गोद में पाला है। परमिशन है, हम लोग बोला हम लोग जेल जाएंगे, हम लोग बैठेंगे, बिना परमिशन में हम लोग बैठे हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नोटबंदी मुमकिन है, GST मुमकिन है, ये किसान आंदोलन मुमकिन है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जंतर मंतर के पास है जहां पर महिलाओं का धरना है। 50% रिजर्वेशन होना चाहिए उनका संसद में। भारत को कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, कुछ लोग कहते हैं जाति प्रधान देश है, कुछ लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की संसद में संख्या जो है वो अभी भी 14% है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाति प्रधान देश हो या ना हो, कृषि प्रधान देश हो या ना हो, लेकिन पुरुष प्रधान देश है। हमारे साथ महिलाएं हैं जिनकी डिमांड है कि उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। मैम क्या लगता है, देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं, आप लोग आज भी इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारी भागीदारी मिले, जबकि 50% आबादी महिलाओं की है? हाँ, ये तो हम लोग मांग कर रहे हैं। देश का आज़ादी 75 साल हो गया तो अभी संसद में ओनली 14% वुमेन लोग हैं, तो हम लोग का आधा आबादी का, हम लोगों का हिस्सा आधा चाहिए, ये हमारा मांग है। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो महिलाओं को इतना कर रहे कि राष्ट्रपति महिला बना दी, फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, और भी उनके मंत्रालय में कई महिला हैं, तो भागीदारी तो मिल रही है। कैसे मिल रही है उनको? वो मोदी को इच्छा है तो बनाया, हम लोग हमारा अधिकार छीन के लेंगे। किसी को ये दान नहीं है, डोनेशन नहीं है। मोदी को इच्छा हुआ तो ये हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन रहे, क्यों? हम लोग 50% का हिस्सेदारी हूँ, भागीदारी हूँ, कहाँ है हम लोगों का हिस्सेदारी? अभी तो ओनली 14%। मोदी जी जब सरकार में आए उसको मैनुफेस्टो में उन लोगों ने लिखा जे हम लोग क्षमता में आएंगे तो महिलाओं को जो रिजर्वेशन बिल हम पास करेंगे, करें? वो तो झूठा है, झूठी से झूठे झूठा है हमारा प्रधानमंत्री। इसीलिए हम लोगों का मांग है जो महिला लोग कितना काम कर रही है, वो लोग वो पाल पोष कर रहे हैं बच्चा को, और घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, क्यों वो लोग ओनली संसद में वो काम नहीं कर पाए? ये है नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोगों का आधी हिस्सा चाहिए, साफ साफ आधी हिस्सा चाहिए। लेकिन मैं मोदी जी तो लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं महिलाओं को। अब देखा ना वो खेरी, वो जो हथरस में वो वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि उसको जो क्या एम्पावरमेंट हुआ, आप लोग देखा नहीं? देखा तो वो दलित वुमेन थे, इसीलिए उसका बलात्कार हुआ, बलात्कार का पास उस घर वालों को पिताजी का मर्द हो गया, तो कैसे चल रहे है महिला का ऊपर? इतना सारी हमारा देश में जो महिलाओं का ऊपर हिंसा इतना ज़्यादा बढ़ रही है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटी कैसे पढ़ेंगे? स्कूल नहीं है, स्कूल है तो स्कूल में ओनली मिड डे मील के 4 रुपीज़ 35 पैसा, तो उसे कुछ खाना मिले?
तो मैम आप लोग संसद में जाके क्या करेंगे? मतलब सरकार ये दावा कहती है कि आप लोग घर पे रहिए, बच्चे संभालिए, खाना बनाइए, संसद तो मर्दों का काम है। हाँ, ये तो बोल रहा है संसद मत। पहले ये जनजाति का मानव समाज का आधा आधा हिस्सा ही थे, ये मर्दों लोग आकर हमारा हिस्सा छीन लिया, तो वो लोग संसद में क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑनली घाट पर पाल पोस करेंगे क्यों? हम लोग भी इतना ताकत है तो क्यों द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया? तो द्रौपदी मुर्मू को तो वही करना ही था, अब अच्छा पैदा करना और घाट वालों सामलाना, ये अच्छा नहीं है, ये धोखाबाजी है। हम लोग सब करने का हिम्मतदारी है तो हम लोगों का जो अधिकार वो देना चाहिए, बिकॉज ये संसद में रूल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। बड़ा आइन जब संसदित नहीं होगा तो हम लोगों का हिस्सेदारी में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग बोल रही है। तो हम लोग भी वो जो कर रही है उससे ज़्यादा काम अच्छा करेंगे। लेकिन मैम सरकार और उसके सपोर्टर कह रहे हैं 2025 में हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का रिजर्वेशन मिलना या इसको कैसे देखते हैं? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमारा भारतवर्ष बहु जाति बहु भाषा बहु धर्म का स्थान है, क्यों हिंदू का राष्ट्र बने? द्रौपदी मुर्मू तो हिंदू नहीं है, द्रौपदी मुर्मू हमारा राष्ट्रपति खुद ही हिंदू नहीं है, वो ट्राइबल है। तो हमारा देश में इतना सारी जनजाति है, इतना सारी कास्ट है, इतना सारी धर्मीय है, इतना सारी भाषा एंड खाद्याभ्यास है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो बनाने शक्ति दिखाएंगे मोदी जी, कैसे दिखाएंगे हम लोग भी देखेंगे। नहीं, इसीलिए तो राष्ट्रपति जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शुद्धिकरण किया जा रहा है। ओ देखो, इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी भी निरामिष शासी थे। हाँ, ये खाद्याभ्यास अपना अपना है, द्रौपदी मुर्मू जी को निरामिष शासी है तो उनको निरामिष भोजन करेंगे, ये इतना बोलना शोर मचाने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये शोर मचाने की कोई सब बात की धर्मीय कारण नहीं करना चाहिए, ये मुझे मैम क्या लगता है? आप तो मतलब आप लोगों को तो घर संभालना चाहिए, बीवी बच्चे किचन, आप संसद में जाके क्या करेंगे? यही तो बोल रही है, जो महिला लोग आधी आबादी, ये महिला को हम लोग भीख मांग नहीं मांग रही है, हम लोग आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं 98 साल से गीता मुखर्जी के नेतृत्व में 33% आसन संरक्षण आरक्षण तो लोकसभा विधानसभा में मांग किए थे, तो उन्होंने गुजर गए, लेकिन उसका जो इच्छा हम लोग का भी पूर्ण करने के लिए रास्ता पे उतरे, लेकिन आज बोल रहे 33% नहीं 50% चाहिए हम लोग का महिला आरक्षण, क्या करें? वो पुरुष लोग क्या कर रहा है? तो जो पुरुष लोग कर रहा है तो महिला लोग भी वही करेंगे, जो पुरुष लोग द्रौपदी मुर्मू महिला होकर राष्ट्रपति होकर क्या करेंगे? तो जो लोग वही संसद में बैठ के लोकसभा विधानसभा में बैठ के जो कर रहे हैं, आइन पास कर रहा है, आइन बिल ला रहा है, वही हम लोग भी करेंगे जो देखेंगे। बड़न जो हम लोग बोल रहे हैं, जो एवं दवा कर रही है, जो जितना घोटाला हो रहा, जितना ये हो रहा है देश में, उससे कम होगी महिला लोग यदि शासन में आ जाएगा, आइन बदलाएगा, आइन करेंगे तब महिला लोग करेंगे, तब तो और अच्छा सुधर जाएगा भारतवर्ष, हम लोग का भारतवर्ष बहुत अच्छा चलेगा, यही बात है। अभी भी तो मैम इतना अच्छा चल रहा है, हमारी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला रमन जी, वो इतने अच्छे से देश चला रही है, 1500 जो है सिलेंडर हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध पे पनीर पे आटे पे GST लगा दिए, तो और क्या चाहिए इससे बढ़िया देश को? तो आपका जेब में कितना हजार रुपया आया? जो मोदी सरकार बोले थे जो वोट दीजिए आपका 15,000 रुपया आपका इसमें भर देंगे बैंक खाता में, आपका जेब में कितना पैसा आया खाली शुद्ध सोचिए, तो यही चल रहा है पूरा दुनिया भर।
तो यही बोल रहा है जो कि कैसे चल रहा है आदमी लोग सब समझ रहा है। उजाला पर नाम पर देखिए घर घर में उजाला दिया है, लेकिन उसी में भी ट्रिक्स किया, पॉलिटिक्स किया। जो उजाला साहब घर में देता, सब महिलाओं को देता तो होता एक बात, दिया है कुछ कुछ महिला को देख देख के, जो भी दिया है बिना पैसा में ठीक है, लेकिन उजाला के जो अभी फिर ख़त्म होने जा रहा है, वो जो सिलेंडर भरने जा रहा वो तो फिर 1,100 रुपया लगता है, वो कौन पैसा देगा? ऐसे ही पॉलिटिक्स है, ऐसे ही ट्रिक्स कर रहे हैं मोदी सरकार। हाँ, सिलेंडर बनने में सिलेंडर घर में कुर्सी बना दिया, सिलेंडर सिलेंडर घर में कुर्सी हो गया, वो गैस सिलेंडर नहीं है, उसका ऊपर एक पाटा देकर एक बैठा देकर वो बैठ कर कुकिंग कर रहा है चूल्ही में। और लोग हमसे बात करेंगे, मैम क्या लगता है अब आप लोग महिलाएं हैं, घर में जाइए, अपने बीवी बच्चे पालिए, किचन संभालिए, क्यों आरक्षण के चक्कर में? 50% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनको 50% आरक्षण देने में दिक्कत क्या है? हाँ, महिलाएं घर चलाना हर चीज़ अच्छी तरीके से जानती है, तो उनको 50% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज इतने दिनों से ये मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है 1 तारीख से, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं तो सरकार कहती है कि जैसे लोअर बॉडी चुनाव में, चाहे निगम पार्षद के चुनाव हो, काउंसलर के या जिला पंचायत के चुनाव हो, वहाँ पर आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को, लेकिन होता ये है कि महिलाओं की जगह उनके पति देवर या उनका बेटा सारे काम करता है, कैंडिडेट पत्नी होती है, तो ऐसे रिजर्वेशन में अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती, पुरुष नहीं समझ सकता, ठीक है। क्या कह रही है? आपका जो बात है जो पंचायत में म्यूनिसिपल इलेक्शन में और जिला में जो महिला का जो परसेंटेज दिया गया है उसमें महिला भाग लेती है, लेकिन उसका पति और देवर क्या? अच्छा, ये आपका बात झूठ है, क्योंकि खुद मैंने झूठ नहीं है मैम, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जो जीत के आई थी महिलाएं, उनके देवर पति वो शपथ ले रहे थे जाके। सुनिए, मैं खुद त्रिपुरा का अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हिस्सा हूँ, 2015 से 2020 तक मैंने काउंसिलर भी रह चुकी हूँ, मेयर इन काउंसिलर भी हूँ। हम लोग लेफ्ट गवर्नमेंट का लेफ्ट गवर्नमेंट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग 5 आदमी थे MIC मेंबर जेंट्स, 5 महिलाएं थे MIC मेंबर लेडीज, ठीक है। हम लोग 50-50 में अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल को 5 इयर्स तक चलाया है, आप देख सकते हैं गूगल में 10 लोग था। नहीं वो तो लेट मी फिनिश, आप वहाँ पर जाइए, लेफ्ट गवर्नमेंट का जो टाइम था वहाँ पर देखिए और पब्लिक से बात करिए, हम लोग खुद चलाते हैं, हमारा पति क्या करेगा? पब्लिक मुझे वोट दिया है, मुझे जिम्मेदारी दे गई है पब्लिक का बात सुनने के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, उसके साथ मिल के काम करने के लिए, उसका प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। यहाँ पर मेरा पति, मेरा देवर और जो भी वगैरह है उनका काम क्या है? उनका काम नहीं है। ये जो आपका सोच है जे लड़की लोगों को या महिला लोगों को इलेक्शन चुनने के बाद जो भी मर्द है वो काम करता है, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा सोच नहीं है ऐसा, देखा जाता आमतौर पर जाता है, कौन सा पार्टी में देखा जाता है ये आप भी जानते हैं। लेफ्ट गवर्नमेंट का जो भी कैंडिडेट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जाइए त्रिपुरा में और देखिए ईच एंड एवरी वोमेन उनका जो ड्यूटी है वो पूरे तरह से निभाते हैं, और हम लोग हमारे काम अच्छे तरह से पता है, इसलिए हम लोग 50% रिजर्वेशन मांग रहे हैं पार्लियामेंट और ये असेंबली में, क्योंकि हम लोग वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें हम लोग घर चलाते हैं अच्छी तरह से, उसमें देश भी चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा जो है
उसका अर्न करना भी हम लोग जानते हैं, उसको खर्च करना भी जानते हैं, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना भी जानते हैं, जो मर्द लोगों को आता है लेकिन उतने अच्छी तरह से नहीं। मैम एक बात बताइए, आपकी दुनिया में 50% आबादी है लेकिन यहाँ पे संख्या देख रहा हूँ वो कम है, इसकी क्या वजह है? क्यों महिलाओं को आप लोग एकजुट नहीं कर पाती है, जागरूक नहीं कर पाती? एक्चुअली क्या है, देखिए हम लोग फोर स्टेट एवरी डे फोर स्टेट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पूरे इंडिया से आ रहे हैं, सब लोग तो आ नहीं सकते। देखिए हम लोग त्रिपुरा से है और ज़्यादा लोगों का परमिशन मिला, ओनली 100 का परमिशन मिला यहाँ पे ओनली 100 का। टुडे ये दिल्ली पुलिस परमिशन भी दे इनकार कर दिया, तो हम लोग इतना ज़्यादा लोग कैसे आएंगे? आज के नहीं दिया, मैं खोद गया था, मेरा दरखास्त लेकर छूर के फेंक दिया ये पुलिस वालों। तो आप लोगों की इतनी संख्या है तो आप लोग गहराव क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हम लोग ये इसीलिए हम लोग 5-5 हर स्टेट में आया, अभी ओनली 5 स्टेट है, 25 लोग से। पहले 1 अगस्त से हम लोग चाहते थे 14 अगस्त तक हम लोग धरना करेंगे। ये मोदी जी ने बोला ये स्वाधीनता दिवस है, ये जुलूस का बनाना है, तो आप लोग 9th के खत्म कर दे, तो 9th को भी परमिशन नहीं दिया, आज भी परमिशन नहीं है, तो कैसे आएंगे लोग, कैसे आएंगे? बोले परमिशन नहीं, हम लोग बोला हम लोग जेल जाएंगे, हम लोग बैठेंगे बिना परमिशन में, हम लोग बैठे हैं, कल भी आएंगे। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मैं बोल दिया कि मैं कल आऊँगी एंड बैठेंगे, जेल जाए तो जेल जाऊँगी। इसीलिए एक काम रही ना, इसीलिए ही काम रही। मैम क्या लगता है रिजर्वेशन लेके आप क्या करेंगे संसद में? घर पे रहिए, बच्चों की सेवा कीजिए, किचन संभालिए। आप औरत का यही काम समझते हैं कि घर में रहे, पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, ये सब भी करती हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं हम अपने बच्चों को पड़ोस को दे के आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो औरतें हैं उनके जो दुख तकलीफ है, उनकी परेशानियाँ हैं, अगर संसद में औरतें नहीं होंगी, मतलब आप भी देख रहे हो जिस तरह के लोग हैं वहाँ। पुरुष प्रधान देश है, संसद में मर्दों की भागीदारी आधी आबादी है, वो फिर पुरुष प्रधान क्यों रहेगा? हमें यही तो तोड़ना है, आप पुरुष प्रधान क्यों हो? और अगर आप पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं है तो आप औरतों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं। मोदी जी ने राष्ट्रपति महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, बाल विकास मंत्री महिला है, कई मंत्रालय महिलाओं को है, इस बार सबसे ज्यादा जो है सांसद चुन के आए हैं। वो अपनी योग्यता के बल पर हैं, वो अपने वो जो वो पहले भी पंचायत से उठी हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी ने नहीं उनको गोद में पाला है, ये बेकार की बात है। महिलाएं उनसे उन पुरुषों से ज़्यादा सक्षम है, वो घर भी देखती हैं, बाहर का भी देखती हैं, कमाती भी हैं और देश के बारे में भी सोचती हैं, तो इसलिए उनको जाना चाहिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन हो पाया, उससे पहले की सरकारों में इतनी भी नहीं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नोटबंदी मुमकिन है, GST मुमकिन है, ये किसान आंदोलन मुमकिन है, तो ये मुमकिन नहीं चाहिए हमें, ये मुमकिन चाहिए कि अगर मोदी जी हैं तो जो महिला प्रसूति के समय में जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए वो मिले, नौकरियां मिले, पढ़ाई भी हो बच्चों लड़कियों की, ये चाहते हैं हम लोग। मैम क्या लगता है जो मतलब सरकार या एक आम स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि जो महिलाओं को लोअर बॉडी में जो आरक्षण मिला हो चाहे वो काउंसलर का हो या जिला पंचायत हो, वहाँ पे जब महिलाएं जीत के जाती हैं तो वो सिर्फ एक चेहरा होती हैं, बाकी जो काम होता है वो सारे पुरुष देखते हैं, चाहे उनका बेटा हो या उनके पति हो, हस्बैंड हो। ऐसे में आप लोग 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के बेटे ने काम देखा था, इंदिरा जी का काम इंदिरा जी ने किया था, जयललिता का काम जयललिता नहीं किया। ऐसे लोकल बॉडीज़ के अंदर अगर महिलाएं जीत के आती हैं, उनको मौका मिलता है, जब घर से बाहर निकलेंगे तभी तो वो अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगी, उनका वजूद उनकी पहचान बनेगी, और जब जब मौका मिलता है वो करती अपने आप को साबित भी करती हैं। ये शुरुआती दौर था जब
ये 74वां अमेंडमेंट हुआ था तो तब राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पे महिला आरक्षण को लागू किया गया था ग्राम स्थानीय निकायों में। तो एक ठप्पा लगा दिया गया कि अगर महिला का पति है तो वो तो चला रहा उस पद को, और सरपंच पति, प्रधान पति, इस तरह की बातें, प्रमुख पति, जिला प्रमुख, जिला परिषद के जिला प्रमुख जो है वो प्रमुख पति, पर वो एक फेज था। लेकिन मैं वही छग्गी बाई भील को भी देखती हूँ, सरपंच बनती है लड़ती है, मैं छवि राजावत को भी देखती हूँ, सरपंच बनती है वो लड़ती है, और कितनी महिलाएं जिन्होंने अपनी पंचायतों के अंदर जबरदस्त काम किया है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा, जब उनको मौका मिलेगा तो चांद तारों को भी तोड़ लाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक सवाल हमारे देश की महिला राष्ट्रपति बनने का, तो वो पहले प्रतिभा पाटिल जी भी बनी है ना। तो अगर एक दो महिलाओं के बनने से भला होता तो आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है सरकार, आज़ादी के 75 वर्ष, तो संसद के अंदर महिलाओं की उपस्थिति मात्र 14% नहीं होती, वो 50% होती। तो इसीलिए आधी आबादी, आधी हिस्सेदारी की मांग हम कर रहे हैं, और ये आज और कल की नहीं है, पिछले 30 साल से ये लड़ाई जारी है। और जब दे पार्लियामेंट के अंदर गीता मुखर्जी, जो हमारे संगठन की वाइस प्रेसिडेंट भी थी और 6 बार मेंबर पार्लियामेंट रही थी, उन्होंने इस विधेयक को पेश किया था, तो कुछ पुरुष सांसदों ने उस बिल को फाड़ दिया था। पर उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, चाहे UPA 1, UPA 2 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, या अभी NDA की 2 बार गवर्नमेंट बनी है, तो हर बार अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्रों में, सभी राजनीतिक दलों ने इस मांग को जगह दी है कि हम हमारी सरकार बनने के बाद हम महिलाओं को महिला आरक्षण देंगे। पर पता नहीं जब सत्ता में आते हैं तो तब क्या हो जाता है, उनको वो वादे को भूल जाते हैं। इसलिए उनको वो वादे याद दिलाने के लिए और महिलाएं अपना हक मांगने के लिए इस 9 दिवसीय धरने को हम दे रहे हैं। 1 अगस्त को शुरू है, जिस दिन क्विट इंडिया और 9 वार है इंटरनेशनल डे, उस दिन हम इस धरने का समापन करेंगे। और कल के दिन 8 अगस्त को यहाँ पे हमारे बहुत सारे राजनीतिक दलों के सांसद जो हैं वो समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, उनकी सहमति हमारे पास आ चुकी है, और कल बड़ा कार्यक्रम। अभी मैम बता रही थी परमिशन नहीं मिली है आपको, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब ये जगह जेल में डाल दी, ये जगह जब सरकार सुनिश्चित कर दी, जब कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी इस पे, सरकार ने पाबंदी लगा दी थी तो कोर्ट में जाना पड़ा था। जब जंतर मंतर को खुला छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता देश के किसी नागरिक को किसी परमिशन की आवश्यकता है। हम इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, मतदाता हैं, तो हमें बैठने का भी हक है। इसलिए हम परमिशन मांगना हमारा कर्तव्य है, और नहीं देते हैं तो उनकी नालायकी या लापरवाही, ये पुलिस प्रशासन की, उनको देना चाहिए, नहीं भी देते हैं तब भी हमारा हक है, हम बैठेंगे। चलिए मैम, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो है 5% महिलाओं का संसद में हिस्सेदारी थी, आज आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, अब जाकर 14% जो है महिलाओं की संसद में भागीदारी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज भी महिलाओं को हाशिए पर रखा गया है, जबकि अमेरिका में महिलाओं की, अमेरिकी सांसद में महिलाओं की 31% भागीदारी है, वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% भागीदारी है महिलाओं की, लेकिन भारत में आज भी जो है 75 साल बाद भी सिर्फ 14% भागीदारी हो पाई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़, दिल्ली।